अकीब को देख के आप शॉक हो गए? टोटली शॉक, टोटली जेन्युइन। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो ना माय फ्रेंड इज बैक आफ्टर वन ईयर। यार ये वो बंदा है जिसके साथ मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था, इसीलिए खसारे में है, इसीलिए मेरा चैनल खसारे में 440 पे जाके रुक गया। आज एक साल बाद मेरा भाई यार आधी रात को ये और राक्षस है। रमजान में वापस गया था, इस रमजान में वापस आया। अभी रमजान ही शुरू हुआ भाई, मीर साहब रात को 11 बजे सो जाते होते हैं, ठीक है? लेकिन नहीं, 11 बजे नहीं, कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे मीर साहब सो जाते हैं हमेशा से, लेकिन आज आकिब की आने की खुशी मैंने फुल जाग रहे हैं इस टाइम पर। अच्छा आकिब आया हुआ तो फिर नेक्स्ट लेवल पार्टी हो, तो फिर हाँ इंशाल्लाह मुमकिन है, उम्मीद है मुझे। यार दोस्तों का सीन भी ना बड़ा अजीब होता है, जब चार दोस्त बैठे हो तो एक दोस्त की वाट ना लगाए तो उनको सुकून ही नहीं मिलता। तू मेरी बात सुन, तेरी वैसे तारे टकरा रहे हैं। बोलने बोलने आप क्या बस, मैं देख रहा हूं आप ऐसे सीन में, आप तो स्पेशली रात के टाइम इसके साथ ना आए। स्लश पिलाते हैं क्या? वो क्या होता है? मैंने कहा ये बाकी का देखो, ये तो बर्फ में रंग डाला, गोला गंडा है, गोला दोस्तों मैं जो है ना चॉइस ही नहीं होती खाना क्या। यार एक मिनट यार, मुझे ये पकड़ो, मुझे बाल सेट कर लेने दो। ये तुम्हारे बुराई है यार। अच्छा ये वाले बाल सेट कर रहे थे? अच्छा तूने क्या समझा, मैंने छाती के बाद सेट करना। अच्छा जी, प्लान ये कि हम लोग इस टाइम एफ10 मौजूद है और मैंने खाना खा लिया, मुझे पता नहीं था काफ़ी बार है, और सुफैन ने भी खाना खा लिया, इसी तरह के मीर आतिफ भाई और खान साहब। तो अब आप लोग डिसाइड कर लो क्या खाना। यार कुछ खिला दो भाई, यार कुछ खिला। नहीं हम लोगों ने खाना खाया, मैंने आप लोग बता दो आप लोग क्या खाना चाहिए। किसी भी यहाँ पे कहीं पे चलो, कुछ भी जहाँ पे दिल करता है चले जाओ। यार आप लोगों ने खाना ना, यार हम लोगों ने तो खा लिया। आपने देने खर्चा मालका ना, इन लोग पता होगा यार क्या खाए। आखिरकार तुम लोग मेहमान आए यार, ऐसे लोग का क्या मसला। ऐसे ब्लॉग बनेंगे तो खास प्रमोट होऊंगा मैं। किराए पे कोई यार नहीं। तो यार एक दो रेस्टोरेंट हम लोगों ने ट्राई किया लेकिन वो थे बंद, तो फिर हमने कहा पिज़्ज़ा मिल रहा है तो वही खा लो। क्या ख्याल है? क्या नहीं है यार, कसम खुदा की डिसाइड कर लो। रात के 12 बज गए, अगर मेरी अम्मी ने सुन लिया ना इस वीडियो में कि मैं 12 बजे तक बाहर हूँ, तंदूरी चिकन कत्ल हो जाना मेरा। तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन। मीरा जी ये बर्थडे बॉय हैं, ठीक है? और ये सत्यन भाई जो बर्थडे में मिस हो गए थे, ये आकिब है, पिछली स्टार्ट वाली वीडियोस में आपको मिल रहे हैं। हाँ आप दिसंबर आवाज़ नहीं आ रही, तू मास्क उतार के सपोर्ट कर दोस्त को। मैं मास्क नहीं उतार सकता, मास्क पहना करो यार आप लोग, उनसे मैं बोल देता हूँ यार। सपोर्ट किया करो, मेहरबानी किया करो यार, और इसकी वीडियो शेयर किया। कैसे सपोर्ट करना? वो जो एक लेफ्ट एस से पढ़ता है मुश्किल सा इंग्लिश वाला, वो भी किया करो, और घंटी भी बजाया करो। मैं आपको बता दूँ, लैक सब्सक्राइब होता है वो, एक लैक एक सब्सक्राइब, ये दो काम करवाने अपनी जितनी भी मतलब अपने जितने भी दोस्त हैं उन सब से भी करवाने। मेरे दोस्त सारे बजाया भी करें, घंटी भी बजाया करें। और यार खुदा का खौफ किया करो, मेहमान को बुला के ना खाना टाइम पे खिलाया करो, ठीक है? तू खुद लेट आया ना, रात ही रात को कौन आता, रात को 1 बजे आया ये बंदा। और फिर जो किया सुबह, किस चीज़ की आवाज़ है यार? ये फिजियोथेरेपिस्ट है ना, आपको नहीं पता? अच्छा आशान भाई भी मिस यू यार, सॉरी। अभी हम लोग जगह की तलाश में, ठीक है? पिज़्ज़ा हमने ले लिया हुआ है और अभी बस जगह नहीं मिल रही, कहाँ की जगह। इधर बैठते हैं चौक में। पिज़्ज़ा, आई लव पिज़्ज़ा टू। यार रोशनी नहीं आ रही। वाह
यार अभी हम लोग पिज्ज़ा खाने लगे, ये वाला पार्ट मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जब भी पिज्ज़ा आता है मेरे दोस्त पागल हो जाते हैं, तो सॉरी बाय बाय। बहुत सख्त मुकाबला है यार बाय। यार ये जो आप लोगों ने थोड़े से वो देखे ना वो जो स्लो मोज और थोड़ा सा वो बना है ये चिकन के, ये इसके चक्कर में बिल्कुल मत आना। इंतहाई को थर्ड क्लास, इंतहाई को बेकार पिज़्ज़ा था, ज़रा भी मज़ा नहीं आया, फजूल पैसे वेस्ट। कुछ खिलाया कुछ पता नहीं, अब मुर्गी 5 रुपये किलो वाली थी, आप मुर्गी जिंदा भी थी पहले या नहीं। आकिब कैसा था पिज़्ज़ा? यार वैसे खाने को बुरा नहीं कहते लेकिन मज़ा नहीं आया यार, सच्ची जो बात, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, जो भूख की शिद्दत थी और वो जो प्यास थी एक वो बुझ गई। तो यार पिज़्ज़ा फोड़ने के बाद हम लोग आगे वापस रूम में और फिर आगे हम लोग गए सो, उसके बाद जो हुआ वो अभी। वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। यार सीन ये है कि मैं आया था किंतु क्या बोलना। व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज फालियास एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो यार कैसे हैं आप सब लोग? यार उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे दोस्त आए हुए थे कुछ, तो आपने देखा ही होगा, मुलाहिजा किया होगा। तो अभी सुबह हम उठे हैं, दिन के क्या दो बज रहे हैं और अभी हमारा प्लान ये कि हम नाश्ता करेंगे जाके, सही है। और आज के दिन बस यही कुछ है, मगर तो खाना शाना खाएंगे, दोस्तों के साथ आउटिंग शाउटिंग करेंगे, तो जो कुछ भी होगा वो हम व्लॉग बनाएंगे। यू नो व्हाट, मेमोरीज लास्ट फॉर एवर, थिंग्स एंड, पैसे एंड, लेकिन तो अभी ओ थैंक यू, मुझे लग रहा है मुझे तारीफ़ कर रहे होंगे मेरी। एक्चुअली आई जस्ट गॉट माय बेयर ट्रिम्ड क्योंकि डैंड्रफ बहुत हो गया था। तो अगर आप में से किसी को डैंड्रफ का मतलब कंट्रोल करने का पता है तो वो भी मुझे बताएं। और जो 50-60 बंदे देखते हैं देखते रहें यार, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टाटा। अभी हम आए हैं अब्दुल रज़ाक लाहौरी कैफे पे, ठीक है, यहाँ से हम करेंगे नाश्ता। आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। नाश्ता करने लगे बस, देख लो, और लस्सी बन रही है, ठीक है, दूध पी लिया था रात को। व्लॉग का रह गया था, मैंने कहा बता दूं कि अभी वन ऑफ आवर कलीग उनकी बर्थडे थी तो हमने 1969 पे हैं तो केक शेक काटेंगे। इजाज भी है साथ आकी बहन। दावत में मैं आ तो गया हूँ, ठीक है। अब ये जो उन्होंने मुझे मेन्यू कार्ड दिखाया है ना, आपके विंग्स भी हैं, आप लोग भी देखें, कैफे 1969 से इतने मुश्किल नाम है, कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब पता नहीं कैसे कर लेते हैं अमीर लोग, पता नहीं क्या मंचूरियन, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं लोग। हम तो मतलब देसी लोग वही रूटीन खाना धक्के खा लेते हैं, धोखे खा लेते हैं, मतलब इतना मुश्किल सीन हो गया यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ बस चलो वापस चलते हैं, छोड़ो। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने एक नाम याद किया है, अभी जैसे ही वेटर आएगा मैंने उसको बता देना। आखिर क्या था? फरीद अल्फ्रेडो। अल्फ्रेडो
फरीद नहीं अल्फ्रेडो पास्ता ये इग्नोर करें जी, ये वैसे मजाक कर रहे थे हमें पता है क्या था। एनीवेज गाइस इग्नोर करें बस यू नो बस क्या करें, हमें नाम आते हैं देख के पढ़ लेते हैं एम ही आ गया मैं इनके साथ। मुझे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों।